तो क्यों मनाया जाता है ये गणतंत्र दिवस? हमारा देश आजाद हुआ, गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इन सब ने लड़ाइयां लड़ी। और भैया मुझे सच्ची याद नहीं आ रहा। गाइस आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम क्या करने वाले हैं कि हम मिलते हैं नेबर से और अपनी फैमिली में से, तो पूछेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या होते हैं, वो नेशन के बारे में हमारे क्या जानते हैं। तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन हम पुट करेंगे, तो चलते हैं मिलते हैं सभी से। तो पहला क्वेश्चन मैं जो है वो पापा से पुट करूंगा, ठीक है? तो पापा, जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? इस दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उस पक्ष में ये 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जाता है। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा होता है? राष्ट्रीय गान हमारा जनमान गान है। बिल्कुल ठीक जवाब। तो हम जो अब है क्वेश्चन जो पुट करेंगे साहिल से करेंगे, इज माय ब्रदर। सो साहिल, जो ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्या बता सकते हैं अभी क्यों मनाया जाता है? पता नहीं। ओह नो, नहीं पता सच में? अच्छा, तो ये इतना तो पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? कौन सा है राष्ट्रीय पशु, कौन सा है? नहीं पता, जीरो नंबर दिए जाते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस पुट करेंगे वो है करण भैया, तो इनसे पूछते हैं। तो भैया आपसे मैं कुछ एक क्वेश्चंस पुट करूंगा, ठीक है, आपने जो है उसका आंसर देना है मुझे। तो जो क्वेश्चन है जो हमारे वो है नेशन को लेके है, राष्ट्रीय को लेके, कि हम राष्ट्रीय के जो प्रतीक है वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है आपसे है कि जो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? कमल। कमल का फूल। वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो मेरा है, जो ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं ये क्यों मनाया जाता है? क्या कहोगे इसके बारे में, क्यों मनाया जाता है ये? नहीं। तो भाभी ये कह रहे थे कि ये जो हुआ है देश आजाद के लिए मनाया जाता है। तो भाभी गणतंत्र दिवस जो है हम क्यों मनाते हैं? अपने देश के लिए मनाते हैं। नहीं, देश के लिए तो बनता है, सब कुछ चीजें देश के लिए ही होती है। वैसे क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, क्या रीजन क्या है इसका? रीजन तो यही है कि हमारे जो गांधी जी थे और लाल बहादुर शास्त्री थे, इन सब ने लड़ाई जो। भाभी ये आप थोड़ा गलत जा रहे हो, जो गणतंत्र दिवस है हमारा वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था हमारा। तो ये बोलना। हाँ तो मैं नहीं बताऊंगा ना, वो तो आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप बताओगे। तो बोले तभी तेरी वीडियो आगे बढ़ेगी। चलो ओके, तो अच्छा अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? वो बाघ है। बाघ है, चलो ठीक है भाभी, आपने ये वाला जो आंसर है बहुत अच्छा दिया। अब हम क्वेश्चन जो करेंगे पुट वो दीप से करेंगे, शी इज ऑल्सो माई सिस्टर। सो दीप, क्यों मनाया जाता है ये गणतंत्र दिवस? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? लायन। नहीं गाय। ओह नो, नहीं गाय नहीं। कौन सा है राष्ट्रीय पशु? यस टाइगर। बाघ, इसे बाघ कहते हैं, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? मैंगो। बिल्कुल सही जवाब। तो अब जो है हम क्वेश्चंस पुट करेंगे डड्डू दीदी से। तो डड्डू दीदी अब बताओ हमें क्वेश्चन के आंसर्स कि जो गणतंत्र दिवस है हमारा वो क्यों मनाया जाता है? मुझे नहीं पता। नहीं पता, ठीक है डड्डू, फिर अगला क्वेश्चन पुट करते हैं हम, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन यह है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ओए ओए मोर, वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। अरे वाह भाई वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और पूछ लूं? ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कौन सा है राष्ट्रीय गीत? अरे वाह डड्डू वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइज अब क्या है, हम जो क्वेश्चन पुट करेंगे चाचा जी से पुट करेंगे। तो चाचा मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो आपके आपने जवाब बताना है उनका। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? कमल का फूल। कमल का फूल, बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब। तो अब अगला क्वेश्चन पुट करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है? वंदे मातरम। वाह भाई वाह, वेरी गुड। तो अब जो है हम क्वेश्चन पुट करेंगे भूमि से। तो भूमि, आज का जो रिपब्लिक डे है यानी गणतंत्र दिवस है क्यों मनाया जाता है? हमारा संविधान लागू हुआ था आज के दिन। ओके,
तो भूमि अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? और भैया मुझे सच्ची याद नहीं आ रहा। अब जो है हम क्वेश्चन पुट करेंगे लक्ष्य से, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। तो लक्ष्य आज कौन सा दिन है? रिपब्लिक डे। ठीक है, तो रिपब्लिक डे जो है हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ओके, तो स्कूल वालों ने ये बताया था कि आजाद हुआ था इसलिए मनाते हैं। हाँ जी। ओके, तो ठीक है मैडम से बाद में बात करेंगे आपकी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरा कि जो राष्ट्रीय पशु है यानी जो एनिमल है वो कौन सा है? बाघ। वाह, ठीक है, ये मैडम ने मतलब बताया आपको अच्छे से, है ना? तो ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? मोर। मोर, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही। आपसे एक दो क्वेश्चंस मैं जो पुट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं ये क्यों मनाया जाता है? हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से, हम लोग आजादी मिली थी, इस वजह से हम लोग इसको मनाते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन जो है आपका है कि जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? गौ माता। गौ माता। ओके, और अगला है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बिल्कुल। जो है क्वेश्चन हम पुट करते हैं दीदी से, तो दीदी क्यों मनाया जाता है ये गणतंत्र दिवस? हमारा देश आजाद हुआ था। आजाद हुआ था। ओके, तो वैसे अच्छा हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत जन गण मन, राष्ट्रीय गान है। वो राष्ट्रीय गान है, गीत कौन सा है? तो अब जो है हम क्वेश्चन जो पुट करेंगे हर्ष से पुट करेंगे। तो हर्ष, जो पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा तो वो ये है कि जो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस वो क्यों मनाते हैं? हमारा संविधान आज के दिन लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, बिल्कुल राइट। सो अगला जो है हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन सा है? अशोक चिन्ह है। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा कहते हैं? गाना याद आ रहा है। यानी गाना याद आ रहा है और गीत याद नहीं आ रहा। मलय जी सीतनाम वंदे मातरम। बिल्कुल सही, वंदे मातरम। ठीक है, तो गान कौन सा होगा फिर? राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन, बिल्कुल ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और हो जाए। ओके, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय पशु शेर है। शेर। एग्जैक्टली क्या कहेगा उसे? शेर को एग्जैक्टली मतलब बाघ। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय फूल, फूल का नहीं पता यार, कमल का होगा। बिल्कुल सही, मतलब गैस किया है तो और बहुत सही गैस किया है। ओके, सो लास्ट वन क्वेश्चन हर्ष। हाँ जी। तो हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल, यस आई थिंक मैंगो। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छी बात है कि अब सारे जो है आपने आंसर्स ठीक दिए। तो अब जो है क्वेश्चन हम पुट करेंगे राहुल से। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारा? जनगणमन। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, जो ये हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं वो क्यों मनाया जाता है? हमारी आज़ादी को लेके। आज़ादी को लेके। ओके, ठीक है। साथ में हाँ लॉ वगैरह बने थे शायद। लॉ बना था। ओके, तो अब जो हमें क्वेश्चन जो है वो अट्टू से पुट करेंगे। ठीक है, तो अट्टू आज का दिन क्या है? बुधवार। बुधवार, ठीक है, बुधवार है। और आज तारीख कौन सी है? तारीख 26 है। 26 जनवरी। तो पता है 26 जनवरी को छुट्टी तुम्हारी क्यों हुई है? या फिर रिपब्लिक डे है। ओके, तो क्या हुआ था रिपब्लिक डे वाले दिन? खास नहीं, खास नहीं कुछ। हमारा रिपब्लिक डे है वो क्यों मनाया जाता है? नहीं बताया स्कूल वालों ने? बुक में नहीं पढ़ा? याद नहीं। याद नहीं है, ठीक है। तो सुना है कभी जैसे राष्ट्रीय पशु है या राष्ट्रीय पक्षी, ये सुने चीजें? हाँ। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? मोर। ओह नो, मोर मोर पशु है। बाघ। 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 पशु को पक्षी। पशु। अच्छा। पशु की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो कौन सा है पशु? बाघ। बाघ, ठीक है। और पक्षी? मोर। मोर, वेरी गुड। तो गाइज अब यहाँ तक पहुंचे हो तो मतलब आपने वीडियो देख ही ली होगी, तो क्या ही बोलना यार, आप लोग ही बोल दो जो भी बोलना है कमेंट में। थैंक यू।